अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है, खैरियत से है। आज बाहर से कुछ मंगवाने को दिल नहीं था, कपड़े भी वाश किए हैं, बहुत थकन भी थी। फिर मैंने 15-20 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद मैंने कहा चलें जल्दी से वो पुलाव बनाया जाए। बहुत ही क्विक रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनाऊंगी मैं इसको। साथ ही चिकन ज़्यादा मैंने इसको वाश करके रख लिया था, इसमें से हाफ लूँगी मैं। तकरीबन बना रही हूँ जी 1 kg राइस। मैंने लहसुन अदरक टमाटो मिर्च इनको भी काट लिया है और मैं इनको ग्राइंड करने लगी हूँ। फटाफट बना रही हूँ जी। ये राइस भी भिगो दी हैं, अभी इसमें ग्राइंड करती हूँ मसाले को। बच्चों को भी भूख लगी है तो मैं इनको फटाफट राइस बना लूँ। प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गए, मैं कुछ ही ब्राउन करूँगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने। चिकन को ऐड कर लिया मैंने, प्याज और चिकन को इतने में मैंने भूनने के लिए रख दिया, इतने में मसाला ग्राइंड कर लूँगी। तो ये साथ ही काम हो रहा है, माशाल्लाह जल्दी से बन जाएंगे। मैं फटाफट मसाला ग्राइंड करने लगी हूँ। आज बहुत लाइट गई है, डर है कि कहीं दोबारा से लाइट ना चली जाए। मसाला ग्राइंड हो चुका है, अब मैं चिकन और प्याज के अंदर ऐड कर दिया मैंने तमाम मसाले को। अच्छे से मिक्स करते हैं, इसमें नमक और रेड मसाला ऐड करती हूँ मैं जी। नमक ले लिया मैंने, 4 tablespoons लिया है मैंने, चाट मसाला लिया है ये जी मैंने लिया है जी, सौंफ ले ली है, ज़ीरा ले लिया है मैंने 2 tablespoons, हल्दी ले ली है 1 tablespoon और रेड मसाला ले लिया जी मैंने 1 tablespoon। 1 tablespoon इसलिए लिया है कि मैंने हरी मिर्च काफ़ी सारी ऐड कर दी है, तकरीबन 7 से 8 अदर। अब ये तमाम मसाले मैं चिकन के अंदर ऐड कर रही हूँ, फटाफट बना रही हूँ ताकि बहुत जल्दी बन जाए। मसालों को मिक्स कर लिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करती हूँ। ये देखें जी थोड़ा सा सिरका इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 tablespoons मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 प्याली के करीब दही ऐड कर रही हूँ। सिरका मैंने इसलिए ऐड किया कि चिकन ज़रा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब दही इसके अंदर जा चुकी है, फिर अच्छे से मिक्स करती हूँ। देखें जी मसाला बहुत ही अच्छे से हमारा रेडी हो रहा है, चिकन का बहुत ही प्यारी शक्ल है, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है इसमें कलर। बस मैं 5 से 7 मिनट के बाद इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, फिर इसको ढक के रख देती हूँ चिकन नरम होने के लिए। थोड़ी सी किशमिश पड़ी थी, मैंने इसको पानी में भिगो दिया, फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ करके वॉश करके इसको भी मैं डाल दूँगी राइस डालने के बाद, या राइस के साथ भी डाल सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अब ये अच्छे से भुन गई है मुर्गी और हमारे मसाले, मुर्ग पुलाव का जो मैंने मसाला रेडी किया है। अब इसमें पानी डाल रही हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह बहुत अच्छे और यम्मी टेस्टी बनेंगे हमारे राइस। थोड़ा और जाएगा क्योंकि मैंने चावल अभी भी गोए हैं, चावल हैं कच्ची बनस्पति, लेकिन उनको फिर भी तकरीबन 1 hour भिगोना ज़रूरी था, तो मुझे अभी आधा घंटा हो जाएगा बस। अब इतना पानी बहुत है, अब मैं इसको ढक देती हूँ। ये नहीं जी, अब मैंने इसको देखची को ढक रही हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, फिर मैं इसमें बॉयल आने पर राइस डाल दूँगी इंशाल्लाह, फिर बहुत ही जल्दी बन जाएंगे हमारे राइस। अल्हम्दुलिल्लाह राइस बन के रेडी हो चुके हैं, मैं अभी इनको ओपन करती हूँ। नीचे से फ्लेम को भी ऑफ़ कर लिया है। पानी डालने के बाद जब चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया था तो मैंने फिर इसमें राइस ऐड कर लिए थे जी। माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी है, मैंने दम ओपन कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त मुर्ग पुलाव हमारा बन के रेडी हो चुका है। मैंने किशमिश भी डाल दी थी, अब अच्छे से मिक्स करके तो मैं इन्हें डालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। देखें बहुत ही हमारे खिले खिले राइस बन के तैयार हुए हैं, डिश आउट कर दिया है। अब हमारे राइस बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। साथ ये अचार भी रख लिया है और साथ ये सिंपल सा रायता बना लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही इजी और जल्दी तैयार किए हैं मैंने। आप मेरे तरीके से रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को